आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। और आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे पहले की तरह, और ऐसे ही सदैव अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और सुनते रहिए अभिवाणी बाई अभिषेक शर्मा। तो दोनों दोस्तों पुनः प्रस्तुत हूँ आपके लिए KBC से जुड़े दो क्विज लेके, जिसको खेल के जो है आप हॉट सीट पर जा सकते हैं। और जब तक आप हॉट सीट पर नहीं जाते हैं तब तक जो है आप घर बैठे ही डेली प्राइज जीत सकते हैं, जिसमें कि कैश प्राइज भी हैं। तो इसमें दो क्विज होते हैं और प्रत्येक क्विज में जो है 5 प्रश्न होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर आपको जो है 200 अंक मिलते हैं, और एक क्विज में आप जो है कुल 1000 अंक जीत सकते हैं, और दोनों क्विज में 2000। और इसके साथ ही आपको जो है KBC प्ले अलॉन्ग करना पड़ेगा सोनी लिव ऐप पर, नाइट में जब शो आता है रात्रि में 9 से 10:30, तो आप खेला करिए वो, और ये पॉइंट्स मिलके ही आपकी रैंक बढ़ेगी। और जितनी अधिक आपकी रैंक होगी, जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी, उतने अच्छे आपके चांसेस रहेंगे, अधिक चांसेस रहेंगे आपके जो है हॉट सीट पर जाने के और डेली प्राइस जीतने के। तो ये क्विज तो मैं आपको खिला ही देता हूँ, बाकी अपोलो KBC प्ले अलोंग आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास अथॉरिटी नहीं है आपको लाइव खिलाने की, क्योंकि अभी जो है मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है। तो बाकी मैंने KBC की तैयारी के लिए शॉर्ट वीडियो और भी वीडियो बनाए हैं, तो उससे जो है आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, तो उससे भी करिए और जहाँ से आप कर रहे हैं वहाँ से भी करते रहिएगा। और मित्रों कल के क्विज़ में भी मेरे बताए हुए क्वेश्चंस में से जो मैंने अभी शॉर्ट वीडियो भी बनाए थे, अभी जैसे हमने ये वाला क्विज़ खेला था, तो इसमें कल या जो परसों प्रश्न आया था हार्ट वाला, कार्डिक वाला, तो वही प्रश्न कल आया है, तो जिन्होंने वो खेला होगा तो उनको उत्तर मालूम होगा। और एक क्वेश्चन मेरा शायद शॉर्ट में से आया है कल, तो कल के क्विज में भी मेरे 2 क्वेश्चन आए हैं, और कुल जो है अब तक 8 क्वेश्चन हो गए हैं मेरे बताए हुए प्रश्नों में से जो इस सीज़न में आ चुके हैं। तो आप तैयारी करिए, और जो चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं उनका मैं हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं, और चैनल पर स्वागत करता हूं। आपका अपना ही चैनल है, कृपया करके बने रहिएगा, आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं, छोड़ के नहीं जाइएगा। और जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे भी आग्रह निवेदन है, कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मंदिर जाते हैं घंटी बजाते हैं, ऐसे ये भी ज्ञान का मंदिर है, तो घंटी बजा के जाइएगा, और जब घंटी बजाएंगे थोड़ा ज़ोर से दबाइएगा, सबसे ऊपर एक ऑप्शन आएगा उसमें ही ऑल वाला, उसको चुन लीजिएगा, जिससे आपको आगे अपलोड होने वाली सभी वीडियो मिलती रहें अगर आप चाहते हैं तो। तो चलिए मित्रों प्रारंभ करते हैं सद्भुत खेल का, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। ये जो है मित्रों इसका हिंदी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन में ऑलरेडी जो है अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं जिनको इंग्लिश में सुविधा हो। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, दोनों ये है लाइव क्विज हैं दोनों ही, तो इसलिए बीच में जो है कॉल नोटिफिकेशन भी आ सकते हैं। सबसे पहले जो है परी मैच न्यूज 24/7 क्विज जो है उसको खेलेंगे, इस आइकन पे आप क्लिक करिए, क्विज खुल जाएगा और घड़ी प्रारंभ हो जाएगी। इनमें से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है? ए मेलबर्न, बी सिडनी, सी कैनबरा और डी ब्रिस्बेन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर जो है वो है मित्रों ब्रिस्बेन, जो कि ऑप्शन डी। लेट्स सी राइट और रॉन्ग, सही जवाब, सही उत्तर, 200 अंक मिल गए, 200 अंक मिलते हैं 5 प्रश्नों में, कुल जो है 1000 अंक हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस देश में दुनिया का सबसे ठंडा गांव बसा हुआ है? ए आइसलैंड, बी रूस, सी कनाडा या डी एस्टोनिया। तो जब मित्रों देश ही ठंडा है तो गांव ठंडा होना बड़ी बात नहीं है, शहर ठंडा होना बड़ी बात नहीं है, है ना? अपने तो भारत में ठंड नहीं पड़ती इतनी। अब बी रूस है दुनिया का सबसे ठंडा गांव वाला देश, सही होता, 200 अंक मिल गए। तीसरा प्रश्न आएगा, इनमें से किस हड्डी को माथा भी कहा जाता है? ए फ्रंटल हड्डी, बी क्लेविकल हड्डी, सी टेम्पोरल हड्डी और डी ऑक्सीपिटल हड्डी। तो मित्रों कपालभाति योगा का आपने नाम सुना होगा, तो कपालभाति करीब पेट से जाती है, पर उसका संबंध जो है मस्तिष्क से होता है, हमारे माथे से, हमारे मस्तिष्क को जो है कपाल भी बोलते हैं, तो इसलिए फ्रंटल हड्डी हुई या कपाल भाति हुई या फ्रंटल बोन हुई, सब जो है एक ही अर्थ है, तो उसका संबंध है मस्तिष्क से है,
कपाल से, तो उससे जो है कपालभाति करने से चेहरे पर निखार आता है और अनेकों अनेक स्वास्थ्य की समस्याएं जो हैं वो दूर होती हैं। तो अनुलोम विलोम और कपालभाति अवश्य करा करिए प्रतिदिन प्रातः में खाली पेट। बंकिंगम पैलेस यूनाइटेड किंगडम के किस शहर में स्थित है? ए मैनचेस्टर, बी ब्रिस्टल, सी लंदन और डी लिवरपूल। तो बंकिंगम पैलेस जो है यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में स्थित है। सही उत्तर, 200 अंक मिल गए। और पांचवा अंतिम प्रश्न, परिमैच न्यूज़ 24/7 को इसका, टू डी फ्रांस इनमें से किस खेल का एक वार्षिक आयोजन है? ए फार्मूला वन, बी साइकिलिंग, सी कराटे और डी बॉक्सिंग। तो टूर डी फ्रांस जो है मित्रों साइकिलिंग का जो खेल है उसका एक वार्षिक उत्सव है, साइकिलिंग जो है वो भी स्पोर्ट्स में आता है, तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो है ऑप्शन बी साइकिलिंग। क्लिक करके सबमिट कर देते हैं और सही जवाब दे के 200 अंक प्राप्त कर लेते हैं। अब जो है हमने 1000 अंक प्राप्त कर लिए हैं, जीत लिए हैं। अब जो है हम परी मैच में आप IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज खेलेंगे, इस आइकन पर क्लिक करिएगा। ये भी एक लाइव क्विज है, घड़ी चल रही है। इनमें से किस अंग्रेजी उपन्यास में स्नैप नामक एक पात्र है? ए एलिस इन द वंडरलैंड, बी द विजार्ड ऑफ ओस, सी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या डी हैरी पॉटर। तो इसका सही उत्तर है मित्रों हैरी पॉटर उपन्यास है जिसमें स्नैप नामक एक पात्र है। और मैंने द विजार्ड ऑफ ओस को छोड़ के सभी मूवीज़ देखी हैं और अधिकतर कई सारे पार्ट देखे हैं। और आपको कौन सी मूवी पसंद है, आपने कितने पार्ट देखे हैं कमेंट करके बताइएगा। इनमें से किस देश ने 2002 फीफा विश्व कप जीता? ए अर्जेंटीना, बी ब्राज़ील, सी फ्रांस और डी जर्मनी। तो वो देश जिसने 2002 फीफा विश्व कप जीता था वो देश है मेरे हिसाब से मित्रों ब्राज़ील होना चाहिए। देखते हैं सबमिट करके, सही उत्तर, 200 अंक मिल गए। तीसरा प्रश्न आएगा, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? रसूल पुकुट्टी ए, तबन सिन्हा बी, AR रहमान सी या दे पटेल डी। बाफ्टा होता है मित्रों BAFTA, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो हैं ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है AR रहमान। सही उत्तर, 200 अंक मिल गए। पांचवा और अंतिम प्रश्न इसको इसका आएगा इसके बाद में, IDFC फर्स्ट बैंक की टैगलाइन क्या है? ये कोई जो है मित्रों IDFC फर्स्ट बैंक वाले ही करवाते हैं, और पहले जो है प्रतिदिन इनका एक प्रश्न अवश्य आता था पर अब जो है बहुत समय बाद आया है, अब नहीं आता। IDFC फर्स्ट बैंक की टैगलाइन क्या है? ए ऑलवेज यू फर्स्ट, बी ऑलवेज अस फर्स्ट, सी ऑलवेज मी फर्स्ट या डी ऑलवेज फर्स्ट। तो इनकी टैगलाइन है मित्रों ऑलवेज यू फर्स्ट, मतलब सदैव आप पहले, सर्वप्रथम आप प्रथम, सबसे पहले आप। पांचवा अंतिम प्रश्न है यह आज का, इजराइल की आधिकारिक मुद्रा क्या है? ए जलोटी, बी डॉलर, सी लियू या डी शेकल। इजराइल की आधिकारिक मुद्रा होनी चाहिए मित्रों शेकल, जो कि है डी। पे टच करेंगे ये पीले रंग का हो जाता है, जब सबमिट करेंगे सही होता है तो ये हरे रंग का हो जाता है उचित उत्तर देने पर। और सही जवाब देके, सही उत्तर देके जो है 200 अंक प्राप्त कर लिए हैं। तो इस तरह दोनों को इस खेल के मित्रों हमने 1000 अंक जीत लिए। अब आपके पास जो है सही उत्तर हैं, आप सोनी लिव ऐप में जाइए, इसको खेल के 2000 पॉइंट जीत के अपने रैंक में ऐड करिए, रैंक बढ़ाइए। और रात्रि में जो है KBC प्ले अलॉन्ग कराइए अवश्य 9 से 10:30, वो पॉइंट्स ये पॉइंट्स मिल के ही आपकी रैंक जो है बढ़ेगी और उससे ही जो है आपके चांसेस रहेंगे हॉट सीट पर जाने के, डेली प्राइज जीतने के जिसमें कि कैश प्राइज भी हैं। और हमारे चैनल के एक जो सब्सक्राइबर हैं, एक व्यूवर हैं, वो पिछले सप्ताह के अपोलो कोई जो होता है जिसमें आप घर बैठे 1,00,000 जीत सकते हैं, उसमें 1,00,000 के विजेता बन गए हैं, लखपति बन गए हैं। तो आप अपोलो को इसके वीडियो देखिए, उसमें पिछले हफ्ते का जो है उसमें उनके आपको कमेंट मिल जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा तो आपको जो है विश्वास हो जाएगा, यकीन हो जाएगा। ऑडियो सुनने के लिए आपका धन्यवाद और आभार।
और जो चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं उनका फिर से हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूँ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। और आग्रह निवेदन करना चाहूँगा, कृपया करके बने रहिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा, और कृपया करके अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते मित्रों, आपका दिन और जीवन शुभ हो।